आज मैं बात करने वाला हूँ 500 सीसी के ऊपर जो मिसिंग की प्रॉब्लम रहती है। 95% जिसके भी पास 500 सीसी गाड़ी है उसके अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम रहती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मिसिंग की प्रॉब्लम है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले एक बार नज़दीक से ज़रा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा थ्रॉटल पे हाथ रखूँगा मैं सिर्फ मेरे साथ जो सिचुएशन है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास गाड़ी आई थी, इसके अंदर जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी जो आपने देख रखी है। फाइनली एक छोटा सा सेंसर का खेल है, ये जो प्रॉब्लम है एक छोटे से सेंसर के कारण है। एक बार मैं आपको दोबारा से वो मिसिंग को ज़रा नज़दीक से दिखा देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि जो मिसिंग की प्रॉब्लम है वो किस तरीके से और इसको शॉर्ट आउट करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं एक्सीलेटर के ऊपर हाथ रख रहा हूँ गाड़ी बिल्कुल बंद हो जा रही है। तो इसका जो सारा खेल है वो यहाँ से जुड़ा है। तो इसके लिए एक बार बैटरी को खोल के वो उस पॉइंट को दिखाता हूँ कि जहाँ से आप मेरी मिसिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैटरी का कवर खोल लेते हैं और उसके बाद बैटरी को थोड़ा सा पीछे करके निकालना है। अब जो मिसिंग की प्रॉब्लम है वो है हमारे, ये एक सेंसर होता है, इस सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है। अब करना क्या है, हमें स्टार की लेनी है, कुछ इस तरह की रहती है, और इसको यहाँ से ढीला करना है। इस तरीके से ढीला करना है। अब मैं ज़रा आपको नज़दीक से एक बार ज़रा दिखाइए कि ये जो पॉइंट है ना, अभी जो सेंसर की पोजीशन है देखिए ऊपर की साइड को है। ये जो पोजीशन है यहाँ से ऊपर की साइड को है, हमें सिर्फ इस पेज को ढीला करना है और सेंसर को इस तरह नीचे को कर देना है फिनिश, और उसके बाद सिंपल इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने किया क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो सेंसर की पोजीशन थी वो ऊपर की साइड थी, मैंने सिर्फ उसको नीचे कर दिया है, और देखिए पीछे की साइड से थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा होगा अब यहाँ पर। और अब हम देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके, ठीक है, कि वाकई में यार वो छोटा सा नुस्खा, छोटी सी ट्रिक काम करती है या नहीं काम करती है। और गाड़ी को स्टार्ट करके अब मैं वो एक्सीलेटर ले लिया। घर से वाइब्रेशन हो रहा है, इसको लगा दो। वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि ज़्यादातर जितने भी 500 सीसी जिनके पास है वो छोटी सी मिसिंग को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। लाइक जैसे हम गाड़ी को गियर में डाल के जब सुबह स्टार्ट करके उठाते हैं ना, उस टाइम ये ज़्यादातर मिसिंग आती है। उठाते समय या एक्सीलेटर, हल्का एक्सीलेटर लेके जब चलाते हैं तब ये मिसिंग की आपको महसूस होगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है या आप मैकेनिक है तो आपके लिए बहुत अच्छे सीखने के लिए चीज़ है, आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।